नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस के आज की इस पार्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर के वन लाइनर की, जो कि टॉप 30 वन लाइनर्स होंगे, जो कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे, और ये सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा महत्व दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही शॉर्ट है वीडियो, कम समय में आप ज्यादा सीखेंगे क्योंकि वन लाइनर है और ये हमारा पार्ट टू है। पिछले पार्ट की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पार्ट टू को और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। पहला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, विश्व में वह देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही जवाब क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मच बिट? देन 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 8 बिट मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? अगला सवाल है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूचनाओं के आदान प्रदान में सबसे ज्यादा अहम योगदान जो है वो इंटरनेट का है। तो इसी वजह से जो राजपथ है सूचनाओं का, वह इंटरनेट को इसकी संज्ञा प्रदान की गई है। अगला सवाल है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। किसको? रे टॉमलिंसन। और यह सवाल रे टॉमलिंसन से संबंधित सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे रे टॉमलिंसन किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं आपके जो सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, ईमेल से या वेब पेज से, किसी भी प्रकार के इसमें ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो रे टॉमलिंसन किससे संबंधित है? ईमेल से। अगला सवाल है, भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर था वह कहाँ खुला था? मतलब भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई में भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर खोला गया। इसी से संबंधित है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था जो अलग अलग, जैसे सिलिकॉन चिप और वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व से जनरेशन चेंज होने के साथ साथ जो उसमें जो चेंजेस आए, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? उसमें वॉल्व का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वॉल्व का। अगर आज की जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चिप का। तो उसके पहले क्या होता था? जो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था? वॉल्व का प्रयोग किया गया था। इन सब की जो डिटेल्ड जानकारी है वो हमारे जो डिटेल्ड वीडियोस आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें विस्तृत रूप से प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अगर आपको यह सवाल मिलता है अनुपम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? जो परम था, प्रथम सुपर कंप्यूटर, परम की बात अगर करते हैं, यहां पर परम सवाल में नहीं लिखा हुआ है, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया गया वह किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था? तो परम विकसित किया गया था सीडैक के द्वारा। सीडैक जो संस्था है इसके द्वारा भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम जो है वह विकसित किया गया था। अगला सवाल है हमारा, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो स्थित है वह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? एनीएक। एनीएक पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर
था। अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो पहला निर्मित कंप्यूटर है उसका नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। अगला सवाल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी का नाम है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में, जो अलग अलग ऑप्शंस पे बेस्ड सवाल है। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी का नाम है। अगला सवाल है, इसी से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक का नाम क्या है? जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है, यहां पर यह महत्वपूर्ण है, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? पॉल एलन। कौन है? पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली थी वह कहां पर शुरू की गई? भारत में जो रेलवे में सबसे पहले आरक्षण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया गया वह कहां पर किया गया? तो सबसे पहले कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली नई दिल्ली में लागू की गई। इसका सही आंसर नई दिल्ली है। अगला सवाल है, www, किसी भी वेबसाइट के पहले जो हम www का यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ www। तो इसका सही आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसी श्रृंखला में अगला सवाल है, रैम का पूरा नाम क्या है? RAM। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। अगला सवाल है, सीपीयू का मतलब क्या होता है? जो सीपीयू होता है उसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है उसका? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला सवाल है, सीएडी का अर्थ क्या होता है? कैड जिसको बोलते हैं, तो कैड का अर्थ क्या होता है? कैड का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड का जो पूरा नाम है। अगला सवाल है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, www जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके आविष्कारक किसे माना जाता है? तो www का आविष्कारक किसको माना जाता है? टिम बर्नर्स ली को www का आविष्कारक माना जाता है। याहू, गूगल, MNS, ये सब क्या है? अगर सवाल इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि याहू, गूगल, MNS, ये सब क्या है, तो ये इंटरनेट साइट्स हैं। क्या है? इंटरनेट साइट्स। जैसे बहुत सारी इंटरनेट साइट्स हैं, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये भी एक इंटरनेट साइट है। इसी प्रकार से जो भी इंटरनेट साइट से रिलेटेड सवाल आता है तो उसमें आप इंटरनेट साइट का और जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे। अगला सवाल है, सीडी का अर्थ क्या होता है? जो सीडी हम यूज करते हैं कॉमनली, उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है, सीडी रोम का मतलब क्या होता है? सीडी का अर्थ यहां पर पता चल गया, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और रोम का जो मतलब होता है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, यह सीडी रोम का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बाइट होती है। अगला सवाल है हमारा, सारे कंप्यूटर में लागू होने वाली भाषा कौन सी है? तो सारे कंप्यूटर्स में लागू होने वाली भाषा कौन सी है? जो मशीन लैंग्वेज होती है वह सारे कंप्यूटर्स में ही लागू होती है। इसमें जो ऑप्शंस आपके आएंगे अगर एग्जाम्स की बात करते हैं
तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कोबोल, फोर्ट्रान या बेसिक या जावा और या मशीन लैंग्वेज। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वह आपका मशीन लैंग्वेज होगा। अगला सवाल है एप्पल क्या है। एप्पल जो कि अक्सर हम इसका नाम सुनते हैं, तो एप्पल क्या है। एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला सवाल ऐसी युक्ति, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही सरल है, केवल आपको सवाल पढ़ना है अच्छे से। सवाल है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, एवं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइनों में संप्रेषित करती है, उसको क्या कहते हैं। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, ऐसी युक्ति मॉडेम कहलाती है। क्या कहलाती है, मॉडेम। अगला सवाल है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर है। वह कंप्यूटर कौन सा है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल सबसे तेजी से करता है। तो इसका सही आंसर है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है वह मस्तिष्क की नकल, कार्य प्रणाली की नकल सबसे तेजी से करता है। अगला सवाल है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना कौन सी है। तो इसका सही आंसर है अनुपम। अनुपम जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, यह परियोजना किससे संबंधित है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के द्वारा। सो दोस्तों, कंप्यूटर के पार्ट टू में हमने चर्चा की टॉप 30 वन लाइनर्स की। पार्ट थ्री जो कि बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे आगे महत्वपूर्ण कंप्यूटर के वन लाइनर्स की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करें, जिससे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको प्राप्त हों। अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है नहीं मिल रहे, तो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में आपका जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों और आप उनका लाभ उठा सकें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।